भागलपुर में सोमवार की रात भीषण दुर्घटना हो गई। एक बारात गाड़ी पर गिट्टी लदा हाईवा पलट गया, जिसमें दबकर स्कॉर्पियो में सवार 6 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रात करीब 11:30 बजे की है। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा गया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना की सूचना मिलने के बाद गोगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और NH-80 का निर्माण कर रही एजेंसी की JCB और अन्य संसाधनों से मलबा हटाने का काम शुरू कराया और मलबे में से निकाले गए लोगों में 3 घायल थे। शेष 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। मौके पर आसपास के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। घायलों ने स्थानीय लोगों को जो सूचना दी उसके अनुसार बारात मुंगेर की हवेली खड़गपुर के गोडा से पीरपैंती के खिदमतपुर जा रही थी। 3 स्कॉर्पियो से बाराती NH-80 पर भागलपुर से कहलगांव की ओर जा रहे थे। विपरीत दिशा से यानी कहलगांव की ओर गिट्टी लदा हाईवा आ रहा था। इस दौरान हाईवा अनियंत्रित हो गया और स्कॉर्पियो पर पलट गया। बीच में चल रही स्कॉर्पियो पूरी तरह से हाईवा की जद में आ गई और हाईवा में जितनी गिट्टी भरी थी वह स्कॉर्पियो पर आ गई। उसके बाद उसमें दबकर बारातियों की मौत हो गई। बता दें कि मृतक में 2 बच्चे भी शामिल हैं और दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो के आगे पीछे चल रही 2 अन्य स्कॉर्पियो किसी तरह हाईवा से बच निकली, वरना और भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी।